समस्तीपुर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। मरीजों की जान जा रही है, लेकिन कुछ माल संचालक व कई दुकानदार द्वारा लगातार कोरोना गाइडलाइन के सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के बाद डीएम शशांक शुभंकर व एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो खुद सड़क पर उतर गए और सख्ती से दुकानें बंद कराई। इस दौरान डीएम ने सभी दुकानदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा सरकारी निर्देश की अनदेखी हुई तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। डीएम ने कहा कि सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शाम 6 बजे के बाद अगर दुकान खुली पाई गई तो संबंधित दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि समस्तीपुर जिले में राज्य सरकार के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शाम 6 बजे दुकानदार को दुकान बंद करने का आदेश जारी है, बावजूद उसके दुकानदारों में जरा भी डर का नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिल रही है। इस क्रम में जिले के अक्सर शिकायत डीएम को मिलती रहती है। डीएम ने गंभीरता से लेते हुए पूरी टीम के साथ संध्या 7 बजे शहर का जायजा लिया। उस दौरान शहर में अनेकों दुकान खुली पाई गई, साथ ही बाजारों में भीड़ देखने को मिली। जिलाधिकारी व एसपी दल बल के साथ दुकानों पर पहुंचकर फाइन काटा, साथ ही माइकिंग कर लोगों को समय समय पर दुकान बंद करने का निर्देश दिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार के निर्देश के अवलोकन में समस्तीपुर जिले में भी अब प्रशासनिक सख्ती और बढ़ा दी गई है। बताते चलें कि कोरोना बीमारी दिन प्रतिदिन अपना पांव तेजी से पसार रही है। समस्तीपुर से संवाददाता अरविंद कुमार की रिपोर्ट, सिटी टीवी 24 न्यूज। होम डिपार्टमेंट का उसका अनुपालन 6 बजे दुकान बंद करना, कैसे खामियां पाई।